हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटेंसेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स, अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.14 एनसीईआरटी का। 3.14 इससे पहले के सारे क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियोज में बेटा कवर कर रखे हैं, आप वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो 3.14 में बोला था द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10^-9 कूलम। बेटा ये अर्थ की सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बहुत कम है, 10^-19 कूलम पर -9 कूलम पर मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ की सरफेस पर केवल 10^-9 कूलम, इट मीन्स 1 नैनो कूलम चार्ज मौजूद है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर। तो सोचो कितना कम अमाउंट में सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो बेटा ये बता रखा है मैं, है ना। अब आगे बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर एंड सरफेस इन अ रिजल्ट इन अ करंट ऑफ 1800 एम्पियर ओवर द एंटायर ग्लोब। अब पूरी ग्लोब पर बेटा जो करंट डेवलप हो रहा है इसकी वजह से, मान लिया अगर मैं इसको और ज्यादा वैसा बनाऊं, छोटा ले रहा हूं मैं अर्थ को थोड़ा इस टाइप से, बेटा ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है इस टाइप से। तो बेटा इस पूरे एटमॉस्फेयर में जो इस चार्ज की वजह से जो करंट डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है यहां पर 1800 एम्पियर, बहुत ज्यादा अमाउंट में। लेकिन बेटा आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, ये बोला है नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव चार्ज है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, हमेशा नेगेटिव की तरफ होता है। तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर डेवलप हुआ होगा, नीचे की तरफ। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा हम जानते हैं बेटा पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां पे पोटेंशियल बेटा मैं ले रहा हूं जो उन्होंने दिया है, कितना था पोटेंशियल डिफरेंस 400 किलो वोल्ट। तो बेटा अर्थ के पोटेंशियल को बेटा लगभग हम जीरो मान सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो कितना हुआ बेटा, 400 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमें पता है बेटा जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट डेवलप होता है, ठीक है। और हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होती है वो एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। तो उस मॉइस्चर की वजह से जो है चार्ज लीक हो रहा है, तो बेटा क्या होगा करंट डेवलप होगा, और करंट हमेशा कहाँ जाता है, हाई टू लो। तो करंट भी बेटा नीचे की तरफ ही डेवलप हुआ होगा, है ना। यहां तक बात क्लियर है। तो इसने जो बताया है करंट बेटा इस पूरी प्रोसेस में जो लाइटनिंग वगैरह के थ्रू जो करंट डेवलप हुआ है डिस्चार्ज होने की वजह से, जो क्लाउड पर चार्ज डेवलप हुआ था, तो बेटा वो करंट हुआ था हमारा 1800 एम्पीयर। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि इस पूरी मैकेनिज्म में इट मीन जो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जो करंट हमारा डेवलप हुआ 1800 एम्पियर का, और जो सारा चार्ज था अर्थ का उससे डिस्चार्ज हो गया, पूरा खत्म हो गया चार्ज, तो बेटा इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा जो सारा चार्ज था वो खत्म होने में। बोल रखा है इसने हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने में कितना टाइम लगेगा। दिस नेवर हैपन्स इन प्रैक्टिस, लेकिन बेटा एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि अर्थ की सरफेस का पूरा चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि वो लगातार चार्ज बनता रहता है, लगातार बिगड़ता रहता है। इट मीन्स जैसे लाइट रिंग हो रही है कहीं किसी पार्ट में, तो बेटा वहां से चार्ज हट गया तो और कहीं मौजूद है। तो इस तरह से चार्ज अर्थ की सरफेस पर मेंटेन बना रहता है। तो उसमें लिख रखा है दिस नेवर हैपन्स इन प्रैक्टिस बिकॉज देयर इज अ मैकेनिज्म टू रिप्लेनिश इलेक्ट्रिक चार्जेस, नेमली द कंटिन्यूअल थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो लाइटनिंग के थ्रू वो चार्ज बेटा हमें डेवलप होता रहता है हमारी अर्थ पर। और बेटा आपको अर्थ की रेडियस जो यहाँ पे दी है वो दे रखी है 6.37 × 10^6। तो बेटा आपको इस पूरी प्रोसेस में ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टू न्यूट्रलाइज द अर्थ, तो बेटा हम जानते हैं Q इक्वल टू आई टी होता है, तो यहां से बेटा T क्या आएगा, Q अपॉन I। अब Q हमें चार्ज निकालना बेटा हमें पता है यूनिट एरिया के चार्ज को क्या बोलते हैं, सिग्मा इंटू में क्या कर देंगे एरिया, अर्थ का एरिया कितना होगा बेटा 4π r² अगर अर्थ की रेडियस कितनी मान ली मैंने, कैपिटल आ रहा था कैपिटल आर ले लेंगे हम, 4π R² / I। समझ आए नहीं, Q इक्वल टू यूनिट एरिया के चार्ज को सिग्मा बोलते हैं डेंसिटी, इंटू में किससे मल्टीपल कर लिख रहा हूं मैं एक बार, क्यू इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा इंटू ए अर्थ का एरिया है पूरी सरफेस का, तो 4π r² / I। तो बेटा सिग्मा की वैल्यू में कितनी दी थी 10^-9 × 4π की वैल्यू 3.14, अर्थ की रेडियस बेटा 6.37 × 10^6 / 2 अपॉन
आई बेटा 1800, ये बहुत छोटा अमाउंट में मतलब छोटे अमाउंट में निकल कर आएगी ये वैल्यू सारी। तो ये जो टाइम आएगा सेकंड में, वो टाइम होगा जो कि अर्थ को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ अभी। इसका बेटा आंसर आएगा आपका 3.14, ये बेटा ये आ रहा है 283 सेकेंड। इट मीन्स 283 सेकेंड में पूरी अर्थ का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा क्वेश्चन 3.15 डिस्कस करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में बोला था आपसे, 6 lead acid type of secondary cells each of EMF 2 volt and resistance of 0.015 ohm are joined in series। तो बेटा ऐसे हमने 6 cell को बेटा सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा ऐसे हमने 6 cell को यूज किया, एक सप्लाई बनाई 6 cell की। और बेटा हर एक सेल के लिए आपको बता रखा है कि हर एक सेल का जो EMF है, इस सेल का बेटा EMF दिया है आपको 2 volt, और इंटर रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो है 0.015 ohm। तो अगर हम फॉर सप्लाई के लिए बात करें, यहाँ पे सप्लाई जो पूरी सप्लाई है, तो इसका बेटा इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा आपको पता है, सारे सीरीज में है तो 6 times हो जाएगा ना ई का, 6 × 2 = 12 volt। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा ये भी सारे एक जैसे ही आइडेंटिकल है, तो बेटा ये हो जाएगा 6R, तो 6 × 0.015, तो बेटा ये आ जाएगा 0.09 ohm। ओके बेटा, अब इसके बाद बोला है दे आर जॉइंड इन सीरीज टू प्रोवाइड ए सप्लाई टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ohm। अब बेटा इसको हमने ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, एक सप्लाई मतलब ये पूरी सप्लाई जो जनरेट की हमने, इसको बेटा 8.5 ohm के रेजिस्टेंस के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो पूछा था व्हाट इज करंट ड्रॉन, तो बेटा कितनी करंट ड्रॉ की जाएगी, तो बेटा करंट ऐसे जाएगा ना प्लस से माइनस, तो इस करंट के बारे में बताना है हमें। तो करंट ड्रॉन बाई आर इक्वल टू 8.5 ohm, तो बेटा इसको फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर। तो बेटा यहाँ ई की वैल्यू टोटल कितनी हुई, इक्विवेलेंट ही करते हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंट नीचे भी क्या लिखते हैं आर इक्विवेलेंट। बेटा इक्विवेलेंट जो हमारा था वो था 12 अपॉन आर इक्विवेलेंट है बेटा, यहाँ पे जो ई की रजिस्टर लगा हुआ है ये खुद इक्विवेलेंट की तरह काम करेगा, और जो स्मॉल आर था टोटल जो इसका ईएमएफ था पॉइंट जो रेजिस्टेंस था इंटरनल 0.09 था, तो 12 upon 8.59, मतलब जो भी आएगा सॉल्व करने पर इतने एम्पीयर का करंट ड्रॉ किया जाएगा। अब पूछा था व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सप्लाई। बेटा मैंने आपको इसकी दो ट्रिक बताई है, एक तो आप फॉर्मूला लगा दो ई माइनस आई आर, क्योंकि हम करंट ले रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं जो वोल्टेज बाहर के रेजिस्टेंस में ड्रॉ हुआ है। तो बेटा सबसे पहले मुझे इसके लिए करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्वेश्चन 3.15। तो बेटा ये जो वैल्यू है 3.15 में सॉल्व करने पर 1.4 एम्पीयर आएगी बेटा, तो यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा। ईएमएफ में जो टोटल निकाला यहां पर लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट, यहां लिखना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट सप्लाई के लिए। ओके बेटा, तो इक्विवेलेंट था हमारा 12 माइनस आई की वैल्यू 1.4, और बेटा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी 0.09। जब आप इस पूरे को कंप्लीट को सॉल्व करोगे तो बेटा ये आंसर हमारा आएगा 11.9 वोल्ट, है ना। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था, और बेटा हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो टर्मिनल पोटेंशियल V कौन सा होगा, जो एक्स रेजिस्टेंस में ड्रॉ हुआ है, इट मीन्स I इंटू आर, और बेटा I की वैल्यू थी हमारी 1.4 और R था 8.5। बेटा यहाँ से भी हम मल्टीपल करेंगे सेम ही निकल कर आएगा, तो आप किसी भी अप्रोच को यूज कर सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल के। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट और दिया है, बी पार्ट में बोला है अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट एंड लार्ज रेजिस्टेंस 380 ohm। एक सेकेंडरी सेल के लिए दे रखा है बेटा, सेकेंडरी सेल होते हैं बेटा जो चार्ज हो सकते हैं, है ना। तो इसमें जो ईएमएफ था वो तो 1.9 वोल्ट था, और बेटा इसमें जो इंटर रेजिस्टेंस था वो था 380 ohm। अब आपसे पूछा था व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सेल, तो बेटा जो मैक्सिमम करंट है उसके लिए हम एक्स रेजिस्टेंस को क्या मान लेंगे इस वाले केस में, 0, तो वो होगा ई अपॉन एक्स रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो खाली इंटर का हम यूज करेंगे ई अपॉन आर, तो 1.9 upon 380, तो बेटा यहाँ से 0.10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 upon 200 amp, बेटा इतना छोटा सा करंट फ्लो होगा। अब पूछा है आपसे कुड सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ कार, क्या ये जो सेल है कार की स्टार्टिंग मोटर को,
ड्राइव उठा सकता है, चालू कर सकता है मोटर को? तो बेटा हमारा आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि कार की जो मोटर होती है उसको रन करने के लिए हमें कुछ टाइम के लिए 100 एम्पियर के आसपास का करंट चाहिए, जो कि बहुत लार्ज करंट है। ये तो 1 एम्पियर भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं नो सेल कैन नॉट स्टार्ट मोटर ऑफ कार एज इट रिक्वायर अबाउट 100 एम्पियर करंट फॉर सम सेकेंड्स। तो बेटा इसे कुछ सेकेंड्स के लिए लगभग 100 एम्पियर के आसपास के करंट की जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।